आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस आपका ग्रामर का पोर्शन है, ग्रामर का चैप्टर है, और सेंटेंस को जाना कि सेंटेंस किस टाइप्स का होता है, सेंटेंस किस तरह से फॉर्म होता है। इस तरह से हम इस वीडियो के थ्रू हम सेंटेंसेस को जानेंगे। नाउ फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है? इन एवरी लैंग्वेज देयर इज द नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट। सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यू नो वेरी वेल सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विथ कंप्लीट सेंस, जिसमें कोई कंप्लीट मीनिंग आ जाती है, तब उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। यानी ग्रुप होना चाहिए, वर्ड्स का ग्रुप बनना चाहिए। यदि आप मैं बोलता हूँ कि माय नेम इज जाय, बट यदि मैं उसको माय नेम इज जाय यदि प्रॉपरली मैंने बताया तो आपने समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। बट यदि मैं बोलता हूँ जाय इज माय नेम, जाय जाय नेम माय इज, तो ये आपको प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो कभी कभी जो वर्ड का जो ग्रुप बनाएंगे जो उसे प्रॉपर अरेंज नहीं करते हैं तो नहीं बन पाता है, तो सेंटेंस हमारा सही नहीं बन पाता है। तो यहाँ बताया कि किसी भी लैंग्वेज में, सभी लैंग्वेज में, चाहे आप मराठी बोलते हो, बंगाली बोलते हो, तमिल बोलते हो, नेपाली चाइनीज, जो कुछ भी बोलते हो, तो उसमें क्या होती है कि वर्ड्स का ग्रुप बनाते हैं और कम्युनिकेट करने के लिए हम बनाते हैं। और हमारा सेंटेंस क्या करते हैं, हमें हेल्प करता है कम्युनिकेट करने के लिए, समझने के लिए कि दूसरे को, क्योंकि लैंग्वेज इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन और वो मुझे कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। तो जब सेंटेंस बनाते हैं तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही लेना पड़ता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंस and meaning sentences are classified in the following four categories. Here are four categories. एक एक करके मैं इसे explain कर रहा हूँ। यहाँ पर on the basis of their sense and meaning, sense और meaning के बेस पर sentence को four types में classified किया गया, four types बताया गया। First is assertive और declarative sentence. Assertive और declarative sentence को identify कर सकते हैं। Such sentences state of fact, opinion and idea. Fact, opinion, idea को बताता है। Some examples are, Ayans is my son. It is very clear. Fact is here. Aman is not at home. ये साफ साफ बताया जा रहा है, जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है। Arnavi doesn't go to a school. यहाँ जो बात बताया गया sentence में पूरे clear बताया गया। यानी fact, opinion, idea बेस पर जो sentence होते हैं, it is called assertive sentence. Second is interrogative sentence. Interrogative sentence means ही होता है interrogative जवाब आ रहा है। That means नोट ऑफ इंट्रोगेशन आगे में क्वेश्चन सेंटेंस के आगे में रहेगा। दैट मीन्स जो प्रश्नवाचक चिन्ह जो है, जो साइन जो है, वो क्वेश्चनिंग साइन वहां पर रहेगा और जो सेंटेंस होगी वो इंट्रोगेटिव वे में रहेगी। दैट मीन्स क्वेश्चन बेस्ड रहेगा, दैट मीन्स क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेंटेंस क्वेश्चन इज आस्क्ड, कुछ क्वेश्चन सवाल पूछे जाएंगे, देन ये सेंटेंस होगी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगी। नेक्स्ट थर्ड इज इंपेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंसेस विच आर यूज टू परमिट, कमांड और रिक्वेस्ट आर नोन एज इंपेरेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस से हमें यह पता चलता है कि हम किसी को परमिशन दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तब हमें इंपेरेटिव सेंटेंस हम उसे बोलेंगे। सिट देयर, लेट मी गो, आप कभी परमिशन लेते हो, लेट मी गो, लेट अस गो, आप किसी को कमांड देते हो, कम हियर, सिट देयर, इस तरह के सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप एक्सक्लेमेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये साइन आपको वर्ड के बाद रहेगा या तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स या तो सेंटेंस के लास्ट में रहता है, जो बिल्कुल उल्टा आई जैसा दिखता है। तो ये नोट ऑफ एक्सप्लेनेशन या तो एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलो, ये दिया हुआ रहता है। और वह कैसे हम इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, विच आर यूज टू एक्सप्रेस सडन इमोशन सच एज जॉय, ग्रीफ, शॉक, फियर। कभी सडनली जो कुछ इंसिडेंट होता है उस तरह के जो वर्ड हम खुशी या तो दुख का जब बातें को अपने सेंटेंस में बना के बोलते हैं, देर हम इसे एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस बोलते हैं। वाओ, थैंक्स गॉड, ओ माय गॉड, इस तरह से, या तो पूरे इस तरह का वर्ड जब यूज करते हैं तो हम उसे एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस बोलते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अदर क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस पर मैंने फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताया। नाउ मैंने कैटेगरी को चेंज किया। ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बेस पर सेंटेंस को फोर कैटेगरी में अलग अलग नाम दिया गया, टाइप्स भी बताया गया। फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, बाय सेंटेंस इट इज वेरी क्लियर, जो सिंपल सेंटेंस रहती है, राम इज अ गुड बॉय, दैट मीन्स नो नेगेटिव, नो कहीं नहीं लगा हुआ है, ना ही नोट है, दैट मीन्स अफर्मेटिव हुआ। नेगेटिव, अफर्मेटिव में नो नहीं रहता है,
नेगेटिव सेंटेंस बाय नेम इट इज वेरी क्लियर. नेगेटिव सेंटेंस मीन्स जिसमें नो लगा हुआ रहता है, ना बोला जाता है. राम इज नॉट अ गुड बॉय, राम अच्छा लड़का नहीं है. दैट मीन्स ये क्लियर सेंटेंस जो है पर नेगेटिव फॉर्म में है. इंटरोगेटिव दैट मीन्स क्वेश्चनिंग फॉर्म में है. इज राम अ गुड बॉय, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क भी है और सेंटेंस इस तरह के सेंटेंस को इंटोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे. फोर्थ नंबर इज नेगेटिव इंटोगेटिव, दैट मींस कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटोगेटिव सेंटेंस. दैट मींस इन द फॉर्म इट इज इंटोगेटिव सेंटेंस एंड इनसाइड द सेंटेंस इट इज मेंशन नॉट. यहां पर इज राम नॉट अ गुड बॉय, यानी सेंटेंस हमारा इंटोगेटिव में है और उसमें ना दैट मींस नेगेटिव वर्ड भी यूज किया गया है. इज राम नॉट अ गुड बॉय, राम अच्छा, क्या राम अच्छा लड़का नहीं है, यानी क्वेश्चन भी पूछा गया और नेगेटिव बताया गया. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. यानी इस फॉर्म पार्ट्स को मिला करके एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है. कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी रहता ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मैंने सेंटेंस को नॉर्मली थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके बता रहा हूं. Now, first you have to know about subject. Subject is one whom which we talk about or the one who performs an action. Subject उसे बोलते हैं जिनके बारे में हम लोग बोलते हैं या जो कुछ करने वाला रहता है. जैसे मैं अभी बोलता हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ. That means I am speaking. मैं बोल रहा हूँ. That means I जो है subject हो गया. Verb is the one which describes the action or the state of the subject. मैं अभी आपको बता रहा हूं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. एक्सप्लेन वर्ड जो है आई एम एक्सप्लेनिंग द सेंटेंस, मैंने एक्सप्लेनिंग कर रहा हूं, तो एक्सप्लेन जो है वर्ब हो गया. एंड ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट इज द वन व्हिच गेट अफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट वो होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है. सब्जेक्ट जो है आखिर करता तो करता क्या है, या तो हम ये कह सकते हैं जो एक्शन किया जाता है उसका अफेक्ट जो है ना ऑब्जेक्ट पे पड़ता है. तो आखिर मैंने अभी एक सेंटेंस यूज किया था, आई एम एक्सप्लेनिंग द सेंटेंस, या आई एम एक्सप्लेनिंग द चैप्टर सेंटेंस, या आई एम एक्सप्लेनिंग अ टॉपिक सेंटेंस. तो आखिर मैं एक्सप्लेन तो कर रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं, किसका एक्सप्लेनिंग कर रहा हूं, तो सेंटेंस का. दैट मीन्स ये जो है सेंटेंस जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. यानी जो एक सेंटेंस जो फॉर्म होगा, आई इट अ मैंगो, आई जो सब्जेक्ट हो गया इट करता हूं, एक्शन इज एक्शन वर्ड, सो इट इज वर्ब. एंड क्या खाता हूं, आई इट अ मैंगो इज ऑब्जेक्ट. थैंक यू सो मच.